इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले रोसुलेस गोल्ड 10 कैप्सूल्स के बारे में। रोसुलेस गोल्ड 10 कैप्सूल्स का क्या यूज है, कब इसको यूज करता है, कितने दिन का यूज करता है, यूज करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज करने से आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या इंग्रीडियंट्स डालेंगे और ये किस प्रकार काम करता है, उसका डोज और डोसेज कितना होना चाहिए। तो रोसुलेस गोल्ड 10 कैप्सूल्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर वीडियो पर पहली बार विजिट किया, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं रोसुलेस गोल्ड 10 कैप्सूल, जो कि हमारे पास 15 गोली का कैप्सूल है, जिसकी एमआरपी की बात करें तो उसकी एमआरपी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आज जो हमारे पास कैप्सूल है उसकी एमआरपी 230.50 यानी कि 230 रुपये करीब इसकी एमआरपी है। रोसुलेस गोल्ड 10 कैप्सूल को कोरोना रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। रोसुलेस गोल्ड 10 कैप्सूल के अंदर इंग्रीडियंट्स की बात करें तो इसके अंदर इंग्रीडियंट्स हैं रोसुएस्टिन, एस्पिरिन एंड क्लोपिडोग्रिल कैप्सूल के अंदर डाले गए हैं। रोसुलेस गोल्ड 10 कैप्सूल के अंदर जो इंग्रीडियंट्स डाले गए उसके पावर ऑफ स्ट्रेंथ की बात करें तो इसके अंदर जो रोसुएस्टिन है वो 10 mg, क्लोपिडोग्रिल से वो 75 mg प्लस एस्पिरिन है वो 75 mg इसके अंदर डाले गए हैं। रोसुलेस गोल्ड 10 कैप्सूल का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल हार्ट अटैक के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कैप्सूल ट्रीटमेंट करती है हार्ट अटैक के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। रोसुलेस गोल्ड 10 कैप्सूल का इस्तेमाल हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने के खतरे को कम करने के लिए ये कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। रोसुलेस गोल्ड 10 कैप्सूल का डोज और डोसेज की बात करें तो इसका डोज और डोसेज आपकी एज, वेट और कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, आपका वेट कितना, आपकी कंडीशंस कैसी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका डोज और डोसेज कितना होना चाहिए। उसका डोज और डोसेज अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। रोसुलेस गोल्ड 10 कैप्सूल की कुछ सामान्य साइड इफेक्ट में आपको हो सकता है आपको पेट में दर्द होना, अपच होना, कमजोरी होना, हेडेक होना, मांसपेशियों में दर्द होना, डायरिया, दस्त होना, मिचली आना, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो रोसुलेस गोल्ड 10 कैप्सूल का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करिए। रोसुलेस गोल्ड 10 कैप्सूल किस प्रकार काम करता है, यानी कि हाउ टू वर्क्स रोसुलेस गोल्ड 10 कैप्सूल। रोसुलेस गोल्ड 10 कैप्सूल के अंदर तीन दवाई रहती है, यानी कि एस्पिरिन, रोसुएस्टिन, क्लोपिडोग्रिल, जो हार्ट अटैक को रोकता है। एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल एक एंटीप्लेटलेट्स मेडिसिन से वे प्लेटलेट्स को एक साथ सिपने से रोककर काम करते हैं और हानिकारक ब्लड के थक्के को निर्माण को कम करते हैं। रोसुएस्टिन एक लिपिड कम करने वाली दवाई है जो बॉडी की खराब कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल बनाने की क्षमता को ब्लॉक करती है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल के स्तर को बेहतर बनाती है। रोसुलेस गोल्ड 10 कैप्सूल को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस कैप्सूल का इस्तेमाल करें। अपने मन से रोसुलेस गोल्ड 10 कैप्सूल का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें तो रोसुलेस गोल्ड 10 कैप्सूल के बारे में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेशन बताइए, अदरवाइज डिस्कशन में ईमेल आईडी दिए वहाँ पर बताइए। रोसुलेस गोल्ड 10 कैप्सूल का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज के लिए था। कोई भी कैप्सूल का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।